Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, so अभी afternoon का time है और सुबह से मैंने थोड़ा बहुत पूजा शूट किया था, उसके बाद कोई शूट नहीं किया था क्योंकि कृति जब स्कूल जा रही थी ना तो वो गिर गई थी और गिर के उसके पैर में चोट लग गई। सो ये रही कृति और मैं बहुत टेंशन में थी कि वो एग्जाम कैसे देगी। मुझे ये टेंशन नहीं था, मैंने उसको बोला कि तू एग्जाम दे के आ जा। वो तो बोल रही थी मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, बस में नहीं जाऊंगी। तो बस में ना वो जब चढ़ी चढ़ के बैठी तो वो मतलब ऐसे ही सर पीछे रख के वो सो गई थी। तो मुझे वो देख के थोड़ा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं ये एग्जाम कैसे देगी। तो मैं घर पे रेडी थी कि जब भी मुझे कॉल आएगा, अगर स्कूल से फोन किया तो मैं उसको लेने के लिए जाऊंगी। सो जो भी हो, कॉल नहीं किया था उन्होंने और कृति एग्जाम भी देके आ गई है। उसका एग्जाम भी मतलब ठीक ठाक ही हुआ है, मतलब सारा कुछ अटेंड करके आई है। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। और सोशल था बहुत कुछ, मतलब सोशल साइंस था तो बहुत लिखना भी था, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन था मुझे क्योंकि उसके पैर में और थोड़ा सा जाने के टाइम में मैंने देखा था कि हाथ में थोड़ा चोट आई है, तो इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी कि वो लिख पाएगी या नहीं। तो फाइनली वो कर, मतलब उसने कर लिया है, बहुत ही हिम्मत वाला काम दिखाया है उसने, काम किया है। सो अच्छा पानी पीना उसको। सो ये उसको चोट लग गई है यहाँ पे, ये थोड़ा ज़्यादा चोट लगा है उसको। और वो मतलब वो ना रोड पे गिरी थी घर के सामने, तो रोड के ऊपर थोड़ा सा वो छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं ना। सो अभी थोड़ा सा पेन है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी मैं जाऊँगी एक मेडिसिन लेके रखूँगी रात के लिए इमरजेंसी में, अगर ज़्यादा पेन हुआ तो, यस है ना। ओके सो मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तुम घर पे रहो, टाटा। अब वो अभी टीवी देख रही है, कल उसका एग्जाम नहीं है तो अभी मंडे को है, थोड़ा रेस्ट करेगी और टीवी देखेगी। चलो बाय बाय बाय। तो मैं कृति के लिए एक पेन किलर लूँगी और साथ ही साथ जो भी एक दो सामान मुझे चाहिए वो लूँगी मैं, क्योंकि मैंने ना बिग बास्केट से चीनी ऑर्डर किया था बट चीनी की जगह ना वो जो शुगर का दाना, मतलब मिश्री दाना जो होता है ना वो आ गया है, तो मुझे चीनी भी लेना है। तो वही मैं जाऊँगी मार्केट। मुझे ना ऑनलाइन से ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह छोटा छोटा जो सामान है वो सब जाके शॉपिंग करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए ना घर के पास वाले जो सब्जी मार्केट है, मतलब सब्जी का शॉप है, वहाँ से मैंने कुछ वेजिटेबल भी लिया है, आलू प्याज भी ले लिया है क्योंकि वो एकदम से ख़त्म हो गया था। और घर के पास है तो बहुत ही ईजी है, मैं ऐसे ही पैदल आके ये सब शॉपिंग कर सकती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब ख़रीदने के बाद ना कुकिंग करने का भी बहुत अच्छा मन लगता है कि चलो कुछ फ्रेश मैं लेके आई हूँ। और मैंने पूजा के लिए भी सामान ले लिया है, स्वीट वगैरह, क्योंकि कल है शिवरात्रि तो मैं शिवरात्रि की जो पूजा है घर पे ही करूँगी। अतन वो भी नहीं है तो मंदिर तो जाना नहीं होगा, कृति का एग्जाम भी चल रहा है। প্যারাটা নিয়ে এসছি, ওয়েট 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 মা দাঁড়াও আমি জিনিসগুলো রাখি। ওরে বাবা রে, গিভ মি লাভ, গিভ মি অল ইওর লাভ, ও কজ আই ওয়ান্ট ইউ, নো ওয়ান এলস মেক্স মি ফিল দিস ওয়ে। और आज है महाशिवरात्रि, आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभेच्छा। बाबा भोलेनाथ हम सब की मनोकामनाएं पूरा करे। मुझे ना पूजा करना वैसे तो अच्छा ही लगता है, शिव जी का पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन से करती थी, जब कृति की एज की थी तब से। आज हम लोग लंच में बना रहे हैं पूरी, आज राइस नहीं खाएंगे। तो कृति को पैर में ना लग गई है, फिर भी कृति कर रही है, गुड।
अलग से ये सारे पूरी ना कृति ने बेला है, इतना सारा मुझे लगा था कि आधा करके छोड़ देगी, बट उसने पूरा किया है। सो हम दोनों माँ बेटी अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। कृति का वो पेन ना अभी तक है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो अभी भी पेन में ही है और मंडे को उसका एग्ज़ाम है। तो सोचा कि एक बार घूम के आती हूँ डॉक्टर के पास से, ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए, नहीं तो बैठने में उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। चलो, सामने एक चाइल्ड वाला डॉक्टर है, सामने हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ जाएंगे। और डॉक्टर ने बोला कि उसको टीटी इंजेक्शन लेना नहीं पड़ेगा, जस्ट उसको एक मेडिसिन दिया है, उसी से वो ठीक हो जाएगी, एटलीस्ट मंडे को स्कूल जाने लायक हो जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और आज मुझे पता चला कि मेरी जो हेल्पिंग हैंड है वो नहीं आएगी, और वो काफ़ी दिनों के लिए नहीं आएगी। तो इसीलिए ना सुबह, एक्चुअली अभी दिन थोड़ा लंबा है ना, तो मुझे टाइम मिल गया, अदरवाइज़ उसने जस्ट अपने टाइम के बाद, मतलब 8:30 को वो आती है, उसी के बाद उसने कॉल करके बोला। मतलब सुबह से मैं बैठी थी, वेट कर रही थी उसकी, तो सडनली मुझे पता चला कि वो नहीं आएगी। और होता है ना, टाइम जब निकल जाता है ना तो मन नहीं लगता काम का, और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं सुबह से बैठी क्यों थी, इससे अच्छा मैं अपना काम कर लेती। सो होता है कभी कभी ऐसा। तो जो भी हो, अभी मैं घर को अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करूँगी, और बर्तन भी है, बर्तन भी धो लूँगी। सो चलिए, आज का दिन कुछ ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डे होता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे सुबह इतना मतलब काम नहीं रहता है, बट अभी कृति का एग्ज़ाम टाइम है तो सुबह मैं उसको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ उसको। बट मैं सुबह जब उठी थी तो कृति सो रही थी, और जब कृति उठी तो मुझे अपना काम करना पड़ रहा है। तो जो भी हो, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है ना। तो फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है, अभी मैं चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। जब मैं खुद मॉपिंग करती हूँ ना, तो हर चीज़ उसको हटा के फिर मैं साफ़ करती हूँ। और जो मेरी हेल्पिंग हैंड है ना, वो भी एकदम नई है, वो नई गांव से आई है, तो उसको भी सिखाना पड़ता है। तो चीज़ों को जो है मैं हटा देती हूँ, उसके बाद वो मॉपिंग कर लेती है और चीज़ों को मैं अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो स्टार्टिंग में जो होता है ना, आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ता है कि कैसे करना है कैसे नहीं। और मैं ना मिल्क का पैकेट अंदर लेना ही भूल गई थी, तो वो बाहर ही रह जाता है, कभी कभार तो ऐसा लेट हो जाता है। समर का टाइम है ना, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि ये फट ना जाए। अभी टाइम हुआ है 9:30, सो थोड़ा सा धूप भी निकल जाता है, कभी कभार दूध ना ऐसे ही देर तक बाहर रहने से फट जाता है। सो ऐसा तो मिस्टेक मेरे साथ होता ही रहता है। और मैं ना ये मेन डोर ओपन करके रखती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि अभी बैंगलोर पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने, मैं नहाने जा रही थी बट बाद में पता चला कि मुड़मुड़ा ख़त्म है, तो मैं जा रही हूँ मार्केट मुड़मुड़ा लाने। कृति अभी कर रही है अपना मैथ प्रैक्टिस, तू थक है? और देखो सिम्बा, जैसे ही मैं रेडी हुई हूँ ना, बस उसका स्टार्ट हो गया है। बाय बाय दीदी, कहाँ से थाको? हमें जानी तुम्हें गेट खुल ले बाहर पाली जाबे, तुम्हें एकाने थाको, ठीक है? सिम्बा का ग्रूमिंग वगैरह ना काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया है, मतलब वही आंखों को बस क्लीन कर दिया है। क्या होता है ना, अतनु सिम्बा को पकड़ता है और मैं उसको कॉम करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अकेले।
यहाँ पे ना जब धूप से आती हूँ ना तो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर इतना अच्छा लगता है। और बैंगलोर की एक बात है कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छा चलता है, तो धूप हो लेकिन हवा की वजह से ना आपको गर्मी थोड़ा सा कम देगा, लेकिन धीरे धीरे धूप ना पड़ती जा रही है। इससे ज़्यादा लेट होता ना तो शायद मैं निकल ही नहीं पाती। और वहाँ से आने के बाद ना सोचा थोड़ा सा राइस है, थोड़ा फ्राइड राइस जैसा बना लूँ, फिर इसके साथ ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड कर सकती हूँ क्योंकि कृति को बस ऑनियन ही पसंद आता है, बाकी कुछ भी वेजिटेबल उसको पसंद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑनियन ही डाला है मैंने। और ये है हमारा आज का लंच, बहुत ही अजब गजब कॉम्बिनेशन है। ये फ्राइड राइस, ये एक्चुअली राइस था फ्रिज में तो इसको मैंने फ्राइड राइस बना दिया है, और है दाल और पोस्तो है, बट पोस्तो इसके साथ इतना अच्छा नहीं लगेगा तो हमने नहीं निकाला है। सो बस ये है, और साथ में रहेगा पापड़ जो कृति रेडी कर रही है।